एक बहुत ही आसान सा और नीट का PYQ है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्शन रिएक्शन से संबंधित है। अब देखें कि रिएक्शन क्या है। द रिएक्शन इज लाइक दिस, व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट इन बिलो गिविंग रिएक्शन। अब यहाँ पर कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इसे पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शंस के रूप में कि सही प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन इन ऑप्शंस पर ध्यान देने के पहले हमको ये जरूरी है कि हम इसको देखें कि रिएजेंट क्या है। और रिएजेंट जैसा कि हम देख रहे हैं, एक बेंजीन न्यूक्लियस है जिसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है CHO, और दूसरा एक और समूह लगा हुआ है, ग्रुप लगा है, एंड दैट इज CH3CO ग्रुप, एंड दिस CH3CO ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप। तो दो ग्रुप्स लगे हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड एसिटाइल ग्रुप linked to the benzene nucleus. Therefore, we can name this as acetyl benzaldehyde or acetyl benzene carbaldehyde भी हम इसको कह सकते हैं। अब हमको दूसरी काम ये करना पड़ेगा कि reagent की तरफ ध्यान दें कि reagent क्या है। Reagent is zinc and HCl with a little heat. Now, when you call zinc mercury couple along with HCl and heated, it reminds us अबाउट द क्लीमेंसेंस रिएक्शन। और क्लीमेंसेंस रिएक्शन क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, यह हमें ध्यान देना होगा, और वो ही प्रोडक्ट बनाता है। क्लीमेंसेंस रिएक्शन की विशेषता ये होती है कि कार्बोनिल ग्रुप का ओ हटा करके उसकी जगह एच लगा देता है। तो अब इन चार ऑप्शन में हमने देखे, हमको देखना पड़ेगा कि ओ कहाँ हट गया और एच किस ऑप्शन में लग गया। फोर्थ में तो ओ के साथ एच जुड़ गया, दोनों ओ के साथ है जुड़ गया, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन में भी ऐसा ही है, ओ के साथ एच जुड़ गया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और फोर्थ सेकेंड ऑप्शन में तो एल्डिहाइडिक ग्रुप ही चला गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड ऑफकोर्स वी कैन से नाउ दैट फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज वेयर ओ इज रिमूव्ड एंड एच इज एडेड, is the correct answer for us. Okay, thank you. We mark it as correct answer.